स्वागत है आपका बरेली देहात न्यूज चैनल में। मैं हूं आरपी वर्मा, आप देख रहे हैं बरेली देहात न्यूज चैनल। इस वक्त हम पहुंचे उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद की तहसील औला की ग्राम पंचायत अलीगंज में। आज भी दूसरे दिन जो अलीगंज से अपहृत की गई लड़की की बरामदगी ना होने पर यहाँ देख रहे हैं आप पूरा अलीगंज मार्केट बंद है। उसकी हम सीधी तस्वीरें आपको बरेली देहात न्यूज के माध्यम से दिखाते हैं। देखिए पूरा की पूरा अलीगंज का जो मार्केट है पूरा की पूरा कल भी बंद था, आज भी मार्केट बंद है। और यहाँ जो धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए लोग हैं, यहाँ अलीगंज के लोग हैं और हम उनसे भी आपको भी मिलवाएंगे। देखिए बाकायदा यहाँ पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है और बड़ी संख्या में यहाँ धरना प्रदर्शन पर लोग बैठे हुए हैं और पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है। हम सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं बरेली देहात न्यूज के माध्यम से। देखिए हम बढ़ते हैं धरना स्थल की तरफ, जहाँ दुकानदार जो व्यापारी लोग हैं और यहाँ के जो क्षेत्रीय लोग हैं, ग्रामीण हैं, जो विरोध प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। आइए हम चलते हैं धरना प्रदर्शन की ओर। देखिए बड़ी संख्या में यहाँ धरना प्रदर्शन पर लोग बैठे हुए हैं। आइए हम उनसे भी आपको मिलवाते हैं। कल भी बाकायदा सुबह से धरना था, आज भी धरने पर बैठे हुए हैं और यहाँ के जो ग्रामीण हैं, आइए हम उनसे भी जानते हैं क्या है पूरा मामला। क्या मामला है सर? मामला खराब है कतई। जब तक लड़की नहीं आएगी पहले को लगे। देखिए यहाँ कुछ और भी, यहाँ जो धरना प्रदर्शन पर लोग बैठे हुए हैं, आइए हम उनकी भी राय जानते हैं। कल भी धरना प्रदर्शन सुबह से ही पूरा मार्केट बंद था, आज भी पूछ रहे हैं भाई आखिर शासन हमारा और हमारे ही साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा है। आज कोई पार्टी की बात नहीं है, आज सिर्फ ओनली बार हिंदू समाज की बात है। और हिंदू समाज होने के नाते देखिए अगर उन्होंने 8 शाम तक लड़की बरामद करके नहीं दी तो कल इनका क्या हाल किया जाएगा कि देख लेना आप क्या होगा। हम लोग को इनसे पीछे हटने वालों में नहीं है, अगर उनको लड़ना है तो आमने सामने लड़ लें, इससे चाहे उससे लड़ लें। पर यहाँ का SO है, CO है, प्रशासन है, कोई ये सब है क्या? ये सब लल्लू पंजू है, रुपये ले रखे हैं, हमें 1.5 लाख रुपये में कटान कर लेते हैं। हमने स्वयं अपने लेटर पैड पर लिख कर दिया, माननीय मंत्री जी को लिख कर दिया, टाटा एफ एस हो गया, इस SO के बारे में लिख कर दिया। कटान करने वाला कौन व्यक्ति है जिसकी आपने शिकायत की? CM ने शिकायत कही है, उसकी शिकायत गुड्डू कुर्रेसी है। 1.5 लाख रुपये प्रमुख देता है, उसकी वो पूजा करता है। SO अलीगंज। और इससे तो कोई मिल जाए ना, अभी एक अभी उनका हुआ था 150 ग्राम पकड़ने के, लड़का हैंड लैब चलाता है तो उस पर 62 ग्राम लगा दी, बाकी क्या बचा हो चुके सब पे। ये तो ये नाटक कर रहा है, पैसे कमा रहा, पार्टी गई ऐसी तैसी, किसी की बात नहीं मानता ये। और इसके लिए तो फिर भी यहाँ रोके हुए, बड़े श्रम की बात है। जैसा कि कल यहाँ क्षेत्राधिकारी औला, उप जिलाधिकारी औला भी आए थे, उन्होंने भी आपसे बात की, तो क्या निष्कर्ष है? ये सब नथिंग है, कुछ नहीं है इनके हाथ में और सब कुछ इसे पता है, सब कुछ पता है। वो 3rd degree जानता, हम तो कह रहे हैं हम लोग को हवाले करो ऐसे 3rd degree हम उसे देंगे बताएंगे, तो वो 3rd degree जो हम देंगे ना आप लोग तब बताएंगे कि कहाँ है, तब सब बोल देगा कि कहाँ पर। ये प्रोग्राम बनाया था तो कुरेसी तुम घर से मन निकलना, घर पे रहना, जहाँ फोन में बना जाना, एक वसीम भी है इसमें और भी तमाम लोग हैं, इनको कोई जाना मत, क्योंकि आजकल थाना वो नहीं चला रहे, थाना गुड्डू कुरेसी चला रहा है। थाना गुड्डू कुर्रेसी चला रहा है और हम लोग इतने परेशान हैं क्योंकि हम शासन सत्ता सब कुछ हमारी होते हुए और हमारी बहन को अपहरण कर करके और क्या नाम है ले जाना, बहुत लंबी बड़ी बात है। और हम लोग इसे किसी कीमत पर हटने वाले नहीं हैं और हम चाहे हम ना देखेंगे RT पार्टी, मतलब नहीं मैं RT पार्टी से, हमारी जहाँ ताकत है अपनी ताकत को ही हम बुला रहे हैं। देखिए कल क्या तमाशा होता आप देख लेना, केवल एक हिंदू होने के नाते हम किसी की मत, अगर वो हमसे गोली चलाना चाहे तो सामने बैठ के हम सीने तले जैसे कि कल जो प्रशासनिक अधिकारी उनके द्वारा कल कहा गया था कि हम 80% सफलता हासिल कर चुके, तो कल से अब तक क्या रिजल्ट मिलेगा? कल से जीरो और नीचे चला गया। जब गुड्डू कुरेसी अरेस्ट हुआ था, बुलाया था उसे, तो इसी थाना अध्यक्ष ने उसमें हाथ नहीं लगाया, तो स्लोली SO के लिए चार्ज दिया गया, बोले अगर सिदार है तब उसने इसका हाल ठीक किया है, इसको हटाया गया है, हाथ क्यों लगाएगा ये, इनका तो रिश्तेदार है ना जी, इसे सब कुछ मालूम है, घटना पूरी मालूम है, कहाँ है कहाँ नहीं है सब कुछ बता है। हम लोगों को गुमराह कर रहा है, लोग 4 लोगों को उठाता है, उनसे पैसे लेता है, छोड़ देता है, ये कोई किसी से छुपी नहीं है,
पूछो सब लोग गलत कर रहे हैं। देखिए आप कुछ, देखिए आप कुछ और भी ग्रामीण आइए, हम उनसे भी जानते हैं क्या नाम मेरा जी। देखिए और भी लोग हैं, आइए हम उनसे भी जानते हैं। बड़ी रात है आज, बातों भाई था बाकायदा, कल भी मार्केट बंद था, आज भी मार्केट बंद है, और आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग निकलते हैं। आइए हम और जो यहाँ के जो धरना स्थल पर बैठे हुए लोग हैं उनसे भी जानते हैं जी। भैया लोग धरने पर बैठे हुए हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, बस हमारी यही मांग है जल्द से जल्द अच्छे से बरामदगी कराई जाए। शासन अभी तक मिला था, कल से हम लोगों ने प्रदर्शन किया है, रिस्पॉन्स तो कुछ नहीं है लेकिन आज तक कुछ दिखाई। जैसा कि कल उप जिलाधिकारी और क्षेत्राधिकारी आंवला आए थे जी, और काफ़ी संख्या में यहाँ ग्रामीण बातचीत होने के दौरान कहा कि आप अपना मार्केट खोलिए, प्रशासन पूरी पूरा अपना काम कर रहा है। मार्केट लोगों में रोष है, मार्केट स्वेच्छा से बंद किया हुआ है, हम लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी यही एक मांग है कि जल्द से जल्द लड़की बरामद की जाए, जल्द से जल्द मार्केट खोले अपना व्यापार। देखिए और भी यहाँ बड़ी संख्या में यहाँ धरना प्रदर्शन पर लोग बैठे हुए हैं, आइए हम पूरा मामला देखिए। मैं राजकुमार गुप्ता बोल रहा हूँ सर, दूसरे गांव का हूँ, यहाँ भी मार्केट है। मैं दूसरे गांव से मतलब नहीं है, मैं यहाँ पर यूपी का हूँ, यूपी मैं डिस्ट्रिक्ट बरेली है, डिस्ट्रिक्ट बरेली में तहसील आंवला है। मैं सिर्फ मात्र दो बातें कहना चाहता हूँ, समाज के लिए एक हिंदू समाज की लड़की के लिए, इस समाज के लिए अगर किसी की लड़की माँ बाप के लिए पता चलता है उसके दिल पर क्या गुजर रही है। आज यहाँ पर मेरी और आपकी अगर किसी की लड़की है तो क्या गुजर रही है। और आज ये मुस्लिम समाज सब कुछ करने का अत्याचार कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, तब भी यहाँ पर शासन प्रशासन कुछ भी नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ पर सभी लोगों ने, ग्रामवासियों ने ये कह दिया है कि भाई तब तक हम यहाँ पर मार, भाई हमने किसी का सम्मान तो सबका किया है, भाई अधिकारियों का भी सम्मान किया है, लेकिन आप सीनियर हैं, सीनियर जब आप अधिकारी हैं तो जूनियर का क्यों सम्मान कर रहे हैं। क्योंकि मैं अभी एक पार्टी में गया था, पार्टी में जाने के बाद दोनों लोगों ने एक जगह खीर खाई थी, लेकिन अब वो खीर से बदहजमी होने लगी, लेकिन मेरे ताऊ ने भी खाई थी और मैंने भी खाई थी, लेकिन खीर साझे में ही तो खाई थी, अलग थोड़ी नहीं खाएंगे, इसीलिए दोनों को बदहजमी हो रही है, भाई मेरे लिए भी बदहजमी हो रही थी उस समय। लेकिन यहाँ पर भी यही है, वो आप समझ गए कि किसके लिए मैं कह रहा हूँ, जब खीर खाई है और आदमी के लिए बदहजमी हो रही है, जब आप पद आप पे बड़ा है तो आप जूनियर से क्यों नहीं कह सकते। इसीलिए कहीं भी सही, जो भी है वो कहीं भी सही, उसके लिए जब तक वो नहीं मिल जाएगी लड़की तब तक हम लोग मार्केट बंद रखेंगे। और आपका सम्मान है, और किसी का हमने तिरस्कार नहीं किया, तिरस्कार तो हम उसके बाद करेंगे, लेकिन जब हम सोच रहे हैं मानवता के नाते हर अधिकारी का सम्मान करना हमारा फर्ज है सर, नहीं है कि वो हमारे अधिकारी कल क्षेत्र अधिकारी उप जिलाधिकारी और कह रहे थे प्रशासन पूरा काम कर रहा है 80% सफलता काम, कल से अभी तक आपके लिए क्या आश्वासन मिला? नहीं, हमारे लिए तो आश्वासन, आज भी तो अधिकारी आए थे यहाँ पर, SDM साहब आए थे, CEO साहब भी आए थे, उनका हमने सम्मान भी किया था, हमने तो मानवता के नाते अधिकारी हैं हमारे, भाई शासन के प्रशासन जो काम करेगा तभी तो वो होगा, लेकिन यहाँ कुछ हो ही नहीं रहा। यहाँ तो हम सब लोग 16 दुनिया 8 वाले हैं, वो 8 दुनिया 16 वाले हैं, लेकिन इन लोगों की चल कहाँ रही है। आज नवा दिन है, लेकिन हम श्री किशन जी की तरह ऐसा ही करेंगे जैसे उन्होंने दुशासन पे किया था, 100 गाली तक हम बर्दाश्त करते रहे, 101वीं गाली में दुशासन का सर अलग कर दिया। देखिए और भी यहाँ ग्रामीण है, आइए हम उनसे भी जानते हैं क्या कहना है। भैया हम भी बड़ी संख्या में बड़ी संख्या में ग्रामीण हैं, लोग भी हैं, हम उनसे भी जानते हैं आखिर क्या है पूरा मामला जी। लगातार जो अलीगंज का जो प्रकरण है, हम लगातार उसकी कवरेज आपको दिखा रहे हैं, देखते रहिए बरेली जहाँ।